तलब करता हूँ, मैं सब्र करता हूँ इस तकलीफ पर, तो उसके लिए सब्र करें इंशाल्लाह अजीज। मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें बहरहाल फिर हल हो जाएंगी। तो ये चंद बातें थी जो हसद के ताल्लुक से मैंने रखी। हमें चाहिए कि हसद जैसी संगीन बीमारियों को अपने नफ्स से हम निकालने की पूरी कोशिश करें, और जो मौजूद होता है मादा जो हर इंसान में होता है उसको मुकम्मल तौर से सप्रेस करें, दबाए और उसको हमेशा जलील करें। याद रखिए अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा मशहूर कौल फरमाया करते थे, नफ्स एक ऐसी चीज़ है अगर इसको तुम अपने ऊपर हावी करोगे तो ये तुम्हारा सवार बनेंगी और तुम्हें जहाँ चाहे दौड़ाऊंगी, लेकिन तुम अगर इसको अपनी सवारी बना लोगे तो फिर तुम इस पर सवार होकर जहां चाहो इसे ले जाओगे। और सहाबा अपनी नफ्स को जलील किया करते थे ताकि वो आउट ऑफ द लिमिट ना जाए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी